वेलकम टू लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास टेंथ का चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास सेवेंथ एट नाइन्थ में आपके हल्के फुल्के टीचर ने बता दिया होगा कि ज्योमेट्री क्या है, उन्होंने बताया होगा, पर ये नई चीज जो आई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। अभी जो आप लोगों के क्लास में आएगा वो होगा सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। जैसे मेरे पास मेरे मार्कर का कैप है और मैं कहूँ बताओ ये कौन से एक्सिस में है, तुम आप लोग कहेंगे कि मैम ये यहाँ पे है, मैंने बोला इसको पॉइंट बताओ कौन से पॉइंट पे है, कौन से एक्सिस में है, कहाँ लोकेटेड है। तो कोई एक चीज़ का स्पेसिफिक पोजिशन बताना कहाँ पे है वो मैथमेटिक्स में आता है और उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आपके कभी कभार आपके भैया या आपके दीदी जो आपके सीनियर होंगे थोड़ा थोड़ा देखते होंगे सॉल्व करते होंगे, या आपके टीचर ने कभी बता देखो इसे एक्स एक्सिस कहते हैं इसे वाई एक्सिस कहते हैं, है ना। इसी सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ अभी हम दो एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्सिस क्या है, एक्सिस होता है मान लो कि मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है, मैं इसको फिर से बनाती हूँ, मैंने स्ट्रेट लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, मैं कहती हूँ ये दोनों थ्री डी में जरा सोचो, अपने अपने दिमाग को थ्री डी में ले जाओ। मैंने कहा तुमने बनाया, मान लो तुमने बनाया और तुम इस दोनों को परपेंडिकुलर रख लो, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है भाई, ये तो होता है राइट एंगल, इसे कहते हैं 90 डिग्री। तो ये जो आपका एक्स बनता है जो हॉरिजेंटल होता है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, मैंने वहां लिखा भी हुआ है, मैं फिर से बताती हूँ। और इसे कहते हैं जो वर्टिकल होता है वाई एक्सिस। अच्छा ठीक है, लेकिन अब आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज और आ जाती है, मैं अभी बता देती हूँ आपको क्या आ जाती है प्रॉब्लम में, उसे कहते हैं जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस आपके कोर्स में नहीं है पर मैं बता देती हूँ क्या होता है, वो इसके अंदर से जाता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, सॉरी ये होता है, यही लंबा ये होता है जेड एक्सिस, ठीक है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, इसे कहते हैं जेड एक्सिस। मैम आपने जेड एक्सिस को तो काट दिया, आप कह रहे थे 90 डिग्री पे होता है, बिल्कुल होता है, मैं देखो 3D में तो नहीं समझा सकती, लेकिन कोशिश करो अपने दिमाग को ऐसा करो कि तुम सोचो कि हमारा ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस अपनी तरफ ले आओ, जेड एक्सिस अपनी तरफ ले आओ और उस लाइन को पीछे करो। जब ऐसी कोशिश करो कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो क्या ये नेसेसरी है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मैं दूसरा बनाती हूँ, क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि वाई एक्सिस इसे मैं कह दूँ, इसे मैं कह दूँ एक्स एक्सिस। कुछ लोग तो कन्फ्यूज हो गए होंगे, नहीं ये एक्स एक्सिस होता है, ये तो वाई एक्सिस होता है, आपने इसको गलत लिख दिया, आप तो इसको इसको वाई एक्सिस लिखना चाहिए। पर ये जरूरी नहीं है, बुक में लिखा होता है ऐसा, हर एक चीज समझाया नहीं, मतलब उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको चीज़ याद रखिए आप कहीं भी बनाइए। मैं इस टाइम को बोलूँगी मैंने तुमने नाम दिया इसका एक्स एक्सिस, तो क्या मैं इसको वाई एक्सिस नहीं बोल सकती, बिल्कुल बोल सकती हूँ। आप अपने मन से एक्सिस बना सकते हैं एक्स वाई और जेड, पर एक कंडीशन क्या है कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये आपको अपने माइंड में रख लेना। मैं इसको वाई एक्सिस बनाई, मैं इसको एक्स एक्सिस बनाई, क्या अभी भी ये दोनों दूसरों के 90 डिग्री पे है, क्या अभी भी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यस मैम है परपेंडिकुलर, तो क्या हमारा ये एक्सिस सही है, बिल्कुल सही है। मैं अगर यहाँ पे जेड एक्सिस बनाऊँ इससे एक्स एक्सिस बना दूँ तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो एक्सिस का आपको रटना नहीं है कि इसे ही एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे ही वाई एक्सिस कहते हैं, इसे ही जेड एक्सिस कहते हैं, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया मैम। अच्छा अब एक्स एक्सिस का एक और नाम होता है, उसे कहते हैं एब्सिसा, ए बी एस आई सी की वजह से इसे कहते हैं एब्सिसा। एक्स एक्सिस का एक और नाम है, ठीक है, आप एक्स एक्सिस बोलिए, आप एब्सिसा बोलिए, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं को को छुपा दो, को छुपा दो तो क्या बच गया, ऑर्डिनेट, को छुपा दो क्या बच गया, ऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा, जेड एक्सिस का अभी कोई नाम नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है,
तो आपको याद रखना है कि y एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, x एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एब्सिसर। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, तो इस पे अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, जैसे कि मैं नंबर को प्लॉट कर दूं, मुझे चाहिए, मैं कही कि मैं जा रही हूँ 5 मीटर x एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, मैं कही मैं 5 मीटर गई x एक्सिस के, या मैं और अच्छी तरह से बताऊं तो मैं बोलती हूँ मैं 5 मीटर गई ईस्ट के डायरेक्शन में। तो ठीक है, बना लेते हैं। हमें पता है कि हमारे राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है, ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, ये ऊपर वाला साउथ होता है। ठीक है, वेट अ बिट, इतना समझ में आ गया। मैं कहती हूँ कि मैं गई यहाँ से ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में मतलब मैं गई, और कितना डिस्टेंस कवर की, 5 मीटर। तो मैं आपसे तो बोल दूँ, मतलब मैंने 5 मीटर कवर किया ईस्ट डायरेक्शन में, इसे प्लॉट करके बताओ, तो आप यही तो कहेंगे कि ये आप ईस्ट में जा रही हैं, अच्छा आप किधर जा रही हैं, आप 5 मीटर जा रही हैं मैम, तो आप ये 5 मीटर हो गए। मैं बोलूँ मैं नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही हूँ, 2 किलोमीटर में गई, ठीक है, मान लो 2 मीटर ले लो, 2 मीटर ये बहुत ज़्यादा हो गया, वैसे तुम लोग जैसा सोच सकते हो सोच लो, ये नॉर्थ डायरेक्शन में हम 2 मीटर जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमने बोला ना कि डायरेक्शन प्लस एक्सिस, डायरेक्शन प्लस पॉइंट, कितना मीटर गए आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक्सिस का हेल्प ले रहे हो। मैं बोलूँ 5 मीटर गया वो बात अलग है, लेकिन मैं 5 मीटर विद डायरेक्शन बोलूँ तो आप क्या है, इस एक्सिस के, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, इसको ऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको प्लॉट करके बताना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या कहीं पे भी, किस रिप्रेजेंट करके बताना है कि किस डायरेक्शन में आप गए। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, जैसे 5, 6 जितने भी कांस्टेंट होते हैं उसे मैग्नीट्यूड बोलेंगे। डायरेक्शन को प्लॉट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट की हेल्प लेते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्लॉट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। मान लो ये मैंने बोला कि जेड एक्सिस हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, तो हम जेड एक्सिस को अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं और उनमें नया एक्सिस बनाते हैं। ये हो गया स्ट्रेट लाइन, थोड़ा नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, है तो परपेंडिकुलर, ये सबसे नेसेसरी कंडीशन। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, जिसे हम कहते हैं एब्सिसा, और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड एब्सिसा, दिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। इफ यू ट्राई टू प्लॉट सम पॉइंट्स लाइक आई हैव नंबर 1, 2, मेरे पास नंबर है 1, 2, तो जो ये 1 और 2 मैं कौन से प्लॉट करके बताऊँ, स्टूडेंट एक्सिस पे, इस ऑर्डिनेट पे और एक्सिस में कहाँ प्लॉट होगा ये? ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। जो पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वो पॉइंट आपका लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट वाई एक्सिस पे। इतना हमें समझ में आ गया कि ये जो पहला पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, ये जो दूसरा होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, मैं 0, 4 बना, तो ठीक है, जो 0 होगा वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे, और जो 4 होगा वो कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे। मैं कितने भी प्लॉट्स बना लूँ, 3, 4, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, गॉट इट? अच्छा, अब मैं बात करती हूँ, मैं इसके कुछ नंबर बनाती हूँ, मैं ये देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो कुछ भी नहीं लग रहा है, ये तो 0, 0 है भाई, एक्स एक्सिस से हम क्या थोड़ा आगे बढ़े, नहीं बढ़े ना, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, 0 एक्स एक्सिस का, वाई पे नहीं बढ़े क्या, अरे मैम हम तो यही है तो वाई पे तो आप बढ़ी ही नहीं, तो इसका मतलब है 0। इसको हम कहते हैं ओरिजिन, क्या कहते हैं, ओरिजिन, जहाँ से शुरुआत होती है उसे कहते हैं ओरिजिन, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये तो 0, 0 होगा, तो ओरिजिन मतलब 0, 0, जिसमें नहीं हम एक्स एक्सिस में आगे बढ़े, नहीं हम वाई एक्सिस में आगे बढ़े, जब नहीं बढ़े तो हम कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल की, तो उसे तो हम 0, 0 लेंगे। ठीक है, ये हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे लिखते
पढ़ नहीं सकता। अच्छा यहाँ लिखती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है मैम। यहाँ पे भी क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगा? नहीं, हम ऊपर जा रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? नीचे। तो नीचे जा रहे हैं, हमारा एरो तो पलट गया, हमारा एरो तो पलट गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 इधर भी वही होगा, बिल्कुल होगा। 1, 2, -3, -4, -5, -6 और ये हो गया हमारा -7, -8। हमने तो बना लिया ये पूरा एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड ये क्वाड्रेंट क्या है? सेकंड थर्ड क्या? हम इसमें बताते हैं क्या, कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जरा बारे में बताओ, तो तुम कह दोगे मैम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैंने कहा और कुछ बताओ, तो कहोगे मैम एक्स एक्सिस में अगर आप जाएंगे तो क्या हर एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी? तो एक्स एक्सिस क्या पॉजिटिव होगा? अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ऊपर जा रही है तो क्या सारी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है? यस मैम पॉजिटिव मिल रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा। तो हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास हर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये तो आप समझ में आई क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम कहते हैं एक्स एक्सिस में क्या हर एक वैल्यू कैसी है? एक्स एक्सिस में हर एक वैल्यू तो निगेटिव है, तो हम क्या कहेंगे? ये तो निगेटिव है, ठीक है। देखो निगेटिव को हम एन ई जी ए टी आई बी बोलते हैं, या तो शॉर्ट फॉर्म में बी ई बोल दो, पॉजिटिव को प्लस बी ई बोल दो, एब्रिविएशन है, तो एंड को कभी कभार ऐसे लिख देते हो, बस वही बात, ठीक है। तो मैं जो बोला सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एक्स एक्सिस पॉजिटिव है? नहीं मैम पॉजिटिव तो नहीं, सारा नेगेटिव है। अच्छा ऊपर जाओ देखो वाई एक्सिस में सब कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैम सब तो पॉजिटिव है, तो मैंने क्या लिख दिया? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात करें, एक्स एक्सिस की बात करें, उसमें सारी वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई एक्सिस में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अच्छा चलो अब नीचे बात करते हैं, हमारा कौन सा आया नया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? मैम इसमें तो x एक्सिस भी नेगेटिव है, y एक्सिस भी नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल है, तो ये भी नेगेटिव हो गया काम खत्म। भाई देखो x एक्सिस में सारी वैल्यू नेगेटिव है, y एक्सिस में सारी वैल्यू नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में आके हम बात करते हैं, मैम फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव है पर y नेगेटिव है, समझ में आ गया? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ये कोऑर्डिनेट आया कहाँ से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। उसके बाद हम देखें कि हम एक्सिस पे कैसे चीज़ों को प्लॉट करते हैं, किसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, किसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस में हमने प्लॉट करके देखा, हम नंबर लगा दिए और हमने देखा कि ये चार कॉलम बन रहे थे एक टाइप के, लेकिन हमें पता नहीं था इसे कहते क्या है। तो हमने बताया इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब और हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी एक्सिस में क्या एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है या वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, क्या चीज़ें निगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, हमने उसके बारे में अकॉर्डिंग हमने देखा। ये हमें समझ में आ गया, इतना कुछ तो हमने सब कुछ देख लिया। और सबसे मेन बात हमने देखा कि ये सारे एक्सिस आपको अपने दिमाग में रख लेना, लेक्चर खत्म होते होते ये सारे एक्सिस एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर हुए, मान लो तुमने एक्सिस ऐसे बना दी, ऐसे बिल्कुल गलत कर दी, क्यों? तुमने 90 डिग्री तो नहीं बनाया, ये 90 डिग्री कहाँ है, ये कभी एक्सिस नहीं कराएगा। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि दूसरे एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में आगे के लेक्चर पढ़ेंगे कि प्लॉट कैसे करें। हमने तो देख लिया एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है, ये होता है, पर प्लॉट कैसे करें मैम? हमने सब कुछ तो देख लिया पर प्लॉट कैसे करें वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में नोट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।